कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ बुंदेलखंड की धरा सुहानी, लोग यहाँ बाणी, जय बुंदेलखंड है महान, जय भारत जय हिंदुस्तान। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गुरु विष्णु गुरु श्री गुरुदेव महेश, अनंत कीर्ति गुरुदेव की नमन करे नीतेश। भारत माँ को भारत माँ का वो खोया मान दिलाओ, ये इंडिया बिंडिया हटाओ, ये इंडिया बिंडिया हटाओ, उस परम पुरातन संस्कृति को जीवन आदर्श बनाओ, ये इंडिया बिंडिया हटाओ, ये इंडिया बिंडिया हटाओ। मुझे तुम भूल मत जाना, मुझे नीतेश कहते हैं, नगर परसौरिया मेरा निकट सागर के रहते हैं, 0991-8194-3350 गीत संगीत की सरिता में कविता बन के बहते हैं। मैं जादूगर कलम का हूँ, मैं शब्दों को मिलाता हूँ, मुझे भी शौक है थोड़ा, मैं सरगम गुनगुनाता हूँ, पर कला की साधना ने ही मुझे भारत घुमाया है। गीत संगीत कविता की हर एक महफिल सजाता हूँ, और मैं नीतेश जैन सरगम, जैसा कि मैंने आपको पंक्तियों में बताया है, मैं एक दृष्टि दिव्यांग हूँ और लगभग मेरी उम्र 40 के आसपास होने जा रही है, और मैं देख नहीं सकता, लेकिन गीत संगीत ने हमें सारे देश और सारी दुनिया को दिखाया है। सुप्रसिद्ध गीतकार संगीतकार पद्मश्री श्रद्धेय दादू रविंद्र जैन हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके गीत संगीत साहित्य ने हमारे दिल और दिमाग पर एक ऐसा जादू छोड़ा कि मैं उनकी प्रेरणा से आज गीत संगीत के क्षेत्र में जैन समाज में जूनियर रविंद्र जैन ऑफ बुंदेलखंड के नाम से परिचित हूँ। कि नेताओं ने देश को प्रदान किया नेतृत्व, संतों ने मातृत्व से जहान को दुलारा है, आन बान शान का तिरंगा बना पहचान, तो धर्म ध्वज मंदिरों के शिखरों ने धारा है, प्रेम करो प्रकृति से दूर रहो विकृति से, अपनी संस्कृति का ये मूल मंत्र प्यारा है। जन्म के बाद 10-12 साल की लगभग उम्र रही होगी और आँखों के रेटिना खराब होने की वजह से ये हमारे साथ परेशानी आई, जिसकी वजह से हम आपको देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ आपको अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी स्वर लहरियों के माध्यम से सोचने पर जरूर मजबूर कर सकते हैं। कविताएं हैं, मैं लिखता रहता हूँ, और ब्लाइंड स्कूल जबलपुर से मैंने सन 2000 में 12वीं तक का अपना अध्ययन अध्यापन किया, उसके बाद खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से 2000 से 2005 तक 5 वर्ष तक वहाँ रहकर मैंने सितार से शास्त्रीय संगीत से MA किया।